अपने इतने सारे DIY प्लांटर फेंक दिए। क्यों फेंक दिए, इसका रीज़न क्या है, तो आप लोग वीडियो देखिएगा तो पता चल जाएगा कि क्यों मैंने इनको हटा दिया। इनको मैंने एक एक मेहनत करके बनाया हुआ था और आज इनको फेंकना पड़ रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग वीडियो देखिएगा तो पता चल जाएगा मैं क्यों फेंक रही हूँ, किस कारण से फेंक रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। पर एक बात कह रही हूँ, इनको बनाने में मुझे इतना टाइम लगा, इतनी मेहनत लगी, लेकिन सब बर्बाद, कोई फ़ायदा नहीं है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमके गार्डन। तो आप सब कैसे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। बोलने में जब भी गलती हो जाए तो माफ करिएगा, पर चुका धन्यकार करिए फ्रेंड। तो फ्रेंड आज आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ कबाड़ से जुगाड़ DIY प्लांटर। तो प्लास्टिक बोतल अगर आपके पास भी है तो आप लोग भी फेंके ना, उनका इस्तेमाल करें अपने गार्डन में और सुंदर सा अपना गार्डन सजाएं। तो आप लोगों को दिखा दे रही हूँ मैं कि मेरी प्लास्टिक बोतल के कुछ प्लांटर जो हम बनाए हैं वो मेरे ख़राब हो गए। मैं अपने फेंक रही हूँ उनको, आप लोगों को दिखा दे रही हूँ क्यों फेंक रही हूँ, उनका रीज़न क्या है। ये रहा फ्रेंड मेरे सारे DIY प्लांटर, मैंने एक एक इनको प्लास्टिक बोतल से किस तरह से बनाया हुआ था, देख सकते हैं। ये मेरी सभी प्लास्टिक बोतल हैं और मैंने इनको बहुत मेहनत से बनाया था एक एक करके, लेकिन ये सब ख़राब। इनमें से मैं एक भी, मेरा वीडियो ही नहीं वायरल हो रहा है, इतनी मेहनत से देख सकते हैं आप एक एक इनको बनाने में कितना टाइम लगता है। और ये नहीं कि इनमें से प्लांट भी नहीं ग्रोथ हो रही, देखिए प्लांट इस तरह से ग्रो हैं कि पूरा पॉट भर गया है और ना तो इसमें से सफाई भी नहीं कर सकते हम, इतना ज़्यादा इनमें से पॉट। ये रियो की मैंने कटिंग लगाई हुई थी, या रियो की कटिंग पूरे में से भर चुकी है, एकदम से पूरा पॉट भर गया मेरा, देख सकते हैं आप, पूरा ही भर चुका है सभी में। मैंने इन सभी को जब लगाया था तो इन सभी में मैंने रियो ही लगा दिया था, अब ये रियो एकदम से सभी में भर चुका है, एक भी जगह नहीं है कि दूसरा और कुछ एडजस्ट करके, सिर्फ सफाई बस निकाल के हम कर सकते हैं, बाकी देख लीजिए आप कुछ भी, एक भी जगह नहीं है। और इस तरह से सटे सटाए इनमें से रखे हुए हैं, तो मैं इनको साफ़ सफाई तो करना ही पड़ता है। फिर मैंने इन्हें बनाया था, देख सकते हैं आप, फिर मैंने ये बनाए, ये बनाया, ये सब बनाया, ये परी प्लांटर बनाए, फिर ये बोतल के मैंने इस तरह से बनाए, फिर ये मतलब क्या क्या नहीं बनाया, देख सकते हैं आप, इतना सारे बना बना के मैंने अपना गार्डन सजाया। अब इतना ज़्यादा बन चुके हैं कि मेरे रखने के लिए जगह नहीं बची है। और फिर बाद में ये परी प्लांट, ये इधर ये बनाए, कलश प्लांटर बनाया, ये 1.25 लीटर के बोतल का, उसके नीचे का हैंग किया, ऊपर से इनको ऐसे कर दिया। ये सभी को मैंने बनाया हुआ है, लेकिन अभी मेरे गार्डन में एक भी जगह नहीं बची कि दूसरे और कोई प्लांट मैं रख सकूं। और मैं सोच रही हूँ जब मेरे सीजनी प्लांट आएंगे तो मैं इनको कहाँ कैसे क्या एडजस्ट करूँगी, इसलिए मैं इनको अब निकाल के रख दे रही हूँ, सभी को हटा के एक बोरी में भर के रख दूँगी। फिर बाद में जब मेरे सीजनी प्लांट आ जाएंगे, फिर सीजनी प्लांट का फ्लावरिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं इन्हें सजाऊंगी। तो इसलिए मैं अब धीरे धीरे इनको हटाने वाली हूँ अपने गार्डन से, क्योंकि इनने काफ़ी जगह मेरी ले ली है। तो मैं अब इनको हटा करके इनमें जो छोटे छोटे मेरे जड़ की कटिंग लगी है, कुछ स्पाइडर लगे हुए हैं, रियो लगी हुई हैं, तीन सभी को हटाने वाली हूँ। ज़्यादातर मैंने जेड की कटिंग ही सब में लगा दी थी, तीन सभी को हटा करके और मैं इनको अलग रखने वाली हूँ। और यहाँ साइड से और कोई प्लांट रख जाएंगे, क्योंकि मेरा गार्डन अभी सही ढंग से लग नहीं रहा, इसलिए मुझे कुछ सेट करना है, पर समझ नहीं आ रहा कैसे क्या सेट करूँ, क्योंकि स्पेस ही नहीं उतना ज़्यादा, सभी प्लांट सटे सटे रखे हुए हैं, इसलिए मुझे थोड़ी सी और सुंदर से इसे बनाना है। तो मैं ये सबको हटा दूँगी। और देखिए इधर साइड आप, ये सालविया का मेरा प्लांट था, लाते वक्त टूट गया था, ये पिटूनिया को मैंने इसमें लगाया हुआ है, फ्लावरिंग होने लगी इसमें से। बाकी मेरे देखिए प्लांट की अभी कोई वो नहीं है, सब उसी तरह सटे सटाए रखे हैं, कोई जगह स्पेस नहीं है। ये इधर है, ये भी हैंगिंग का कोई जुगाड़ नहीं है कि हैंगिंग करके मैं इनको हैंग कर सकूँ, इसलिए सभी प्लांट मेरे नीचे ही बिखरे हुए हैं। तो कुछ तो इनके लिए जुगाड़ करना पड़ेगा। दूसरी बात देख लीजिए आप, टिकोमा में कितने ज़्यादा फ्लावर हुए हैं, इतना ज़्यादा फ्लावरिंग देख लीजिए आप, कितना ज़्यादा है, मैं झूठ नहीं बोल रही, इतना मतलब पूरा प्लांट जब से इसको गुच्छे में ही फ्लावरिंग किया है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग किया, देख सकते हैं आप, जब से इसने फ्लावर करना शुरू किया तो फ्लावर ही फ्लावर, भर भर के इसके गुच्छे में फ्लावर ही फ्लावर आ रहे हैं। इधर भी मेरी चांदनी, और ये मधुमालती आज फ्लावर की हुई है, देख सकते हैं आप, देखिए कितनी सुंदर
मधुमालती और ये फिर चांदनी, इधर मेरे गुड़हल और इधर ये अलमेंडा, मतलब जितने प्लांट मेरे लगे हैं फ्लावर सभी कर रहे हैं। सुंदर सा मेरा गार्डन भी है, लेकिन थोड़ी सी DIY प्लांटर की वजह से जगह कम पड़ रही है, इसलिए मैं इन सभी को हटाने वाली हूँ। कुछ तो मैंने हटाया है, आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कहाँ मैंने रखा है हटा के। और इधर ये देखिए, और इधर देखिए कितनी येलो और रेड कलर की पटुला का खिली हुई है। और यहाँ पे आते हैं तो ये कड़ैल और ये लिली, फिर ये पटुला का वो वहाँ पे छोटा सा खिला हुआ है मॉर्निंग ग्लोरी। और एक ही डाल पे, अचंभों की बात है, एक ही डाल पे येलो कलर और रेड कलर, मतलब ये गुलाब बांस हमारे इधर इसको बोलते हैं, तो एक ही उसमें दो, एक ही प्लांट में दो दो चीज़ खिल रहे हैं फ्रेंड। अच्छा लगता है ये सब देख के। और आप लोग देख लीजिए इधर साइड, इधर साइड खिले हुए हैं प्लांट मेरे, कितने सारी खिल गई हैं पटुला का। और फिर ये जोरा रेड का खिला हुआ है। और इधर साइड ये मेरा बेला है। अब आप लोगों को चल के दिखा दे रही हूँ, मैंने ये प्लांट फेंके हैं जो, उसको दिखा दे रही हूँ। तो देख लीजिए आप, इनको तो मैंने निकाल दिया, ये जो बनाया हुआ था इसको भी अभी रखने के लिए कोई जुगाड़ नहीं बनना, तो इसको भी मैंने हटा दिया। और ये परी प्लांटर जो बनाए थे परी सोडा की बोतल से, इन्हें भी हटा दिया, इनको भी हटा के रख रही हूँ क्योंकि अभी सजाने का कोई सिस्टम नहीं बन रहा। एक ये हो गया, इनमें से बरसात में सड़ भी गया था, जड़ लगा था वो भी सड़ चुका है, तो इनको हटा हटा के मैं अब रख रही हूँ। और ये देख लीजिए आप, इसमें सारे में फटूला का लगी थी तो इनको भी हटा दिया, सारे प्लांटर फेंक हटा के रख दूँगी बोरी में भर के। फिर अगले जब गर्मी आएंगी मार्च में, फिर मैं इनमें तैयार करूँगी। इनमें से गुलदस्ता बनाया था सभी को सेट करके, जोड़ जोड़ करके ऐसे करके मैंने बनाया हुआ था, लेकिन मैंने इन सभी को अब हटाने वाली हूँ। सभी हट ही चुके, हटाना क्या है, निकल गए मेरे पूरे, देख सकते हैं आप, इन सभी को मैंने निकाल दिया अब। तो यही होता है फ्रेंड गार्डन में, जब स्पेस नहीं होता तो हटाना ही पड़ता है, फेंकना ही पड़ता है। मेरे गार्डन का यही हाल है, तो मुझे हटाना पड़ेगा, लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि मैंने एक एक मेहनत से बनाया है। अब मैंने तो सजाने के लिए बनाया था कि मेरा गार्डन सजा रहेगा, लेकिन क्या करूं, अब जगह की वजह से सीजनी प्लांट मुझे रखना पड़ेगा, इसकी वजह से मुझे हटाना पड़ रहा है। तो कैसे लग रहा है मेरे ये भी प्लांटर आप लोग बताइएगा, और कारण भी मैंने बता दिया आप लोगों को कि मैं क्यों हटा रही हूँ। फिर बाद में मैं सजाऊंगी जैसे ही ये सीजनी अभी प्लांट आ जाएंगे, फिर वो फ्लावरिंग करेंगे, मार्च अप्रैल मई तक फ्लावरिंग करते हैं, उसके बाद फिर मैं जून उन में ये सब सजाऊंगी। जब तक ये जून तक मेरे ये प्लांट अब रखे ही रहेंगे ऐसे ही, जो इसमें से मैं पटुला का लगा लूँगी मार्च में, फिर से वो फ्लावरिंग इसी टाइम करती है, तो ज़्यादातर हम इसको जुलाई में से लगा लेते हैं जैसे बरसात शुरू होती है, जब से ही फ्लावरिंग करती है, बाकी तो पूरी गर्मी नहीं करने वाली है। पूरी गर्मी इतना ज़्यादा होती है कि वो फ्लावरिंग नहीं करती, जैसे थोड़ा ठंडा मौसम और गर्मी और बरसात होती है तब ये फ्लावरिंग करती है मोसरोज, तो इनमें से मोसरोज ही लगा हुआ था। अब इतने प्लांट मैं निकाल के इनको फेंक दी हूँ, तो फ्रेंड आप लोग, मुझे भी तो दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे ये मैंने खुद इनको बनाया हुआ है एक एक, अब आज इनको निकाल के फेंकना पड़ रहा है, थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही है, लेकिन गार्डन में जगह की वजह से ये सब करना पड़ रहा है। तो बाय बाय फ्रेंड, लग में गार्डन, लग में फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंडों, आप लोग बताइएगा कमेंट में मेरी वीडियो कैसी लगी। बट देखिए मैंने कितनी मेहनत से एक एक प्लांट बनाया है इनको DIY, कितना पेंट बर्बाद हुआ, कितना क्या, इतनी मेहनत, लेकिन एक भी वीडियो भी नहीं जा रही है, तो इसलिए मेरा मन भी नहीं कर रहा, इसलिए मैं इनको हटा भी दे रही हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ देखे देखे से बोरिंग हो रही है, इसलिए मैं इनको हटा दे रही हूँ। तो बाय बाय, लव यू।